Sri Anshuman Singh Bhati. अंशुमान सिंह भाटी जी को विधानसभा सदस्य रूप में चुने जे हूं और ईश्वरीय सौगंध लूं कि विदेशों स्थापित भारतीय संविधान रे माए साची श्रद्धा और निष्ठा राखूंगा। हूँ भारतीय संप्रभुता और अखंडता ने अखी राखूंगा और जिन पद ने हूँ ग्रहण करूंगा उन रे कर्तव्य ने पूरी श्रद्धा रे सागे निभाऊंगा। जय श्री राम। हमने वाली पढ़ो, ये हमारी वाली पढ़ेंगे। राजस्थान, मैंने नोटिस में डाला था, कल ही मैंने मेल करा था राजस्थानी भाषा के अंदर शपथ के लिए। राजस्थानी आपके नोटिस में लेके आया था आप सभी के, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सहयोग करेंगे। शेम की बात नहीं है, राजस्थानी भाषा अपना सबका गर्व है, ये शेम की बात नहीं है। आप ऐसे नहीं किसी को टोक सकते। माननीय सदस्य, ऐसा है कि आठवीं अनुसूची में जो शामिल है उन्हीं भाषाओं में अपन शपथ ले सकते हैं, राजस्थानी भाषा उसमें शामिल नहीं है, इसलिए आप उसमें शपथ नहीं ले सकते। और यहाँ ये रूलिंग भी दी हुई है, यहाँ अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है पहले कि राजस्थानी भाषा को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिली है, अतः जब तक राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया कर लिया जाता तब तक सदस्यगण तथा राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं ली जा सकती, इसलिए आप हिंदी में या अंग्रेजी में। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, तो राजस्थानी को मान्यता दिला दो। अध्यक्ष महोदय, आप कमिटमेंट तो करो। अभी मान्यता नहीं है, मान्यता हो जाएगी तो हो जाएगा। सभापति महोदय, सदन का मान रखते हुए मैं हिंदी के अंदर भी शपथ लेने के लिए आगे बात आगे बढ़ा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निवेदन करना है। अध्यक्ष महोदय प्लीज, आप शुरू करो। एक मिनट मुझे निवेदन करना है इस विषय पर, इसी विषय पर प्लीज एक मिनट। सर, संविधान में मान्यता नहीं होने के बाद भी कोंकणी भाषा में लोकसभा में भाषण हो चुके, अनुमति लेकर मैथिली भाषा में हुकुमदेव नारायण सिंह यादव और कीर्ति आजाद शपथ ले चुके संविधान मान्यता नहीं होने के बाद भी मैथिली में, और भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ी में मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके बिना संविधान की मान्यता से, तो राजस्थान में क्यों नहीं अलाउ कर सकते? आपको करना चाहिए प्लीज, मेरा निवेदन करना चाहिए। ऐसा है माननीय सदस्य, आपने जो बात कही है, मैथिली भाषा तो आठवीं अनुसूची में शामिल है, राजस्थानी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है, और जब तक आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं होगी, हमारे यहाँ की ये व्यवस्था पहले पूर्व अध्यक्ष ने दी हुई है, इसलिए आठ राजस्थानी भाषा में अभी शपथ नहीं ली जा सकती। आप हिंदी में लीजिए। मैं अंशुमान सिंह भाटी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय श्री राम। श्री अजय सिंह। मैं अजय सिंह किलक